हरदीप सिंह निज्जा, इसके करण ट्रूडो इंडिया से दुश्मनी ले रहा है, इसकी हत्या के पीछे इंडिया का हाथ बता रहा है। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एंड द किलिंग ऑफ अ कैनेडियन सिटीजन हरदीप सिंह निज्जा। लेकिन क्या सच में इंडिया ने हरदीप सिंह निज्जा को मारा है? क्योंकि पंजाब के सीएम जिन्होंने खालिस्तानी आतंकवादी का लिस्ट दिया था, उनमें से कई आतंकवादी मारा जा चुका है किसी न किसी तरीके से, और उसी में से एक नाम था हरदीप सिंह निज्जा का। तो क्या सच में इंडिया ने हरदीप सिंह को मारा है? जानेंगे इस वीडियो में डिटेल से। हरदीप सिंह निज्जर वाज हिंदुस्तान की हुकूमत बहुत जुल्म करते हैं। लिंक बिटवीन एजेंट्स ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। जस्टिन ट्रूडो, अब इनके बारे में क्या ही कहना, इनकी जितनी बेइज्जती हुई इंडिया में इतना तो हमारे यहाँ ऑपोजिशन पार्टी वालों को भी नहीं होती। सॉरी, इंडिया में जो हुआ सो हुआ ही, इनके खुद के कंट्री में बैठे इन्हीं के नेता और मीडिया वालों ने भी इन्हें बेइज्जत करने से कोई कमी नहीं छोड़ा। बेचारा मासूम से दिखने वाले जस्टिन ट्रूडो को खुद के ही लोगों से भर भर की गालियाँ सुनना पड़ रहा है, क्योंकि इसने काम ही ऐसा किया। लेकिन क्या इंडिया से पंगा? ये सब की शुरुआत होती है जब जस्टिन ट्रूडो G20 इवेंट में इंडिया आते हैं। सभी लीडर्स की तरह ये भी मोदी जी से हाथ मिलाते हैं। इसके बाद मोदी जी, हाँ ठीक है हम निकल, रुको ये मैं नहीं कह रहा, बल्कि कनाडा के न्यूज़पेपर खुद इसे हेडलाइन बना के छाप रहा है, दिस वे आउट। जब बाकी देश के प्रधानमंत्री G20 इवेंट में शामिल होने आते हैं तो उन्हें एक वेलकम कार्ड दिया जाता है, उन्हें एयरपोर्ट से रिसीव करने के लिए खुद कैबिनेट मिनिस्टर पहुंचते हैं। लेकिन जब ट्रूडो आते हैं तो ना उन्हें कोई रिसीव करने जाता है और ना ही उन्हें कोई वेलकम कार्ड देता है। अब ये तो हुआ G20 के समय, इससे पहले भी जस्टिन ट्रूडो के साथ कई बार ऐसा हो चुका है। 2018 में जब जस्टिन ट्रूडो अपने फैमिली के साथ इंडिया आते हैं तो उस समय भी उसे कोई रिसीव करने नहीं गया था। लेकिन जब इजराइल और यूए की पीएम आते हैं तो उन्हें खुद प्रधानमंत्री रिसीव करने एयरपोर्ट पहुंचते हैं। और जब इजराइल के प्रधानमंत्री यूपी आते हैं ताजमहल देखने के लिए तो यूपी के मुख्यमंत्री योगी जी खुद उन्हें आते हैं ताजमहल दिखाने के लिए। लेकिन जब जस्टिन ट्रूडो अपने फैमिली के साथ ताजमहल देखने आते हैं तो योगी जी तो छोड़ो, योगी जी का कोई भी नेता उनके साथ नहीं आता है। जस्टिन ट्रूडो 7 दिन तक रहते हैं इंडिया में, लेकिन 3 से 4 दिन तक मोदी जी या कोई और लीडर उनसे मिलने तक नहीं आते हैं। जबकि हमारा पहला कर्तव्य बनता है हमारे घर आए मेहमान की खातिरदारी करना, उसे चाय नाश्ता पूछना, है कि नहीं? लेकिन ट्रूडो के साथ ऐसा नहीं होता है। अब जस्टिन ट्रूडो के साथ बहुत गलत होता है इंडिया में, अगर आपको भी ऐसा लग रहा है तो सुनो। भारत सरकार कई बार इनसे कहा खालिस्तानी आतंकवादियों के ऊपर एक्शन लेने, इवेंट G20 इवेंट में भी इनका चर्चा चला था। लेकिन ट्रूडो खालिस्तानियों को खुलकर सपोर्ट करता है, इन्हें अपने देश में पनाह देता है, सबको पता है खालिस्तानी क्या चाहता है इंडिया से। खालिस्तानी खुलेआम तलवार लेकर घूमता है, पोस्टर लगाता है, भारत के खिलाफ मोर्चा निकालता है, दंगे करवाता है, लोगों को भड़काता है। जब जस्टिन ट्रूडो भारत आए थे तो पंजाब के सीएम अमरिंदर सिंह जी ने ट्रूडो को एक लिस्ट दिया था जिसमें 9 खालिस्तानी आतंकवादियों का नाम था जो कनाडा में रह रहे थे, इस पे तुरंत एक्शन लेने को कहा था। लेकिन ट्रूडो चुप रहे, इस पे कोई एक्शन नहीं लिया। और जब खालिस्तानी आतंकवादी मारा जाता है तो इसे इंडिया पे इल्जाम लगाता है। हाल ही में ट्रूडो एक स्टेटमेंट दिया कि हरदीप सिंह निज्जा, जिनकी 2 महीना पहले हत्या हुई है, इस हत्या के पीछे इंडिया का हाथ। अब इस स्टेटमेंट के बाद इंडिया और कनाडा का रिलेशन ऑलमोस्ट खत्म ही हो गया है, दोनों देश एक दूसरे से ट्रेड खत्म कर रहा है, वीजा कैंसिल कर रहा है। अभी हरदीप सिंह निज्जा है कौन, जिसकी वजह से इंडिया और कनाडा के बीच इतना कंट्रोवर्सी हो रहा है? तो हरदीप सिंह निज्जा 10 फरवरी 1997 में इंडिया से भागकर कनाडा आता है, रवि शर्मा के नाम से फर्जी पासपोर्ट बनाकर कैनेडियन सिटीजनशिप लेने के लिए एक झूठी कहानी बनाता है कि मुझे इंडियन गवर्नमेंट टॉर्चर करता है क्योंकि मैं सिखों के लिए एक सोशल ग्रुप चलाता हूं। लेकिन यहां इनकी दाल नहीं गलता है और इसकी एप्लीकेशन रिजेक्ट कर दिया जाता है। फिर 11 दिन बाद कैनेडियन लेडी से शादी कर लेता है ताकि उसे परमानेंट सिटीजनशिप मिल सके, लेकिन यहाँ भी वो नाकामयाब रहता है। फिर बाद में उसे सिटीजनशिप मिल जाता है, लेकिन कैसे किसी को नहीं पता। आज जस्टिन ट्रूडो इसके लिए मगरमच्छ का आंसू बहा रहा है, हरदीप को एक कैनेडियन सिख लीडर बता रहा है, लेकिन इसके नाम पर कई सारे आरोप है, इसके वजह से न जाने कितने लोग मारा गया। इसका नाम पब्लिक में तब हाईलाइट होता है जब ये 2007 में बम ब्लास्ट कराया था लुधियाना के सिंगार सिनेमा थिएटर में, इसमें 6 लोगों की जान गई और 40 से ज्यादा लोग घायल हुए। इसके बाद राष्ट्रीय सिख संघ के अध्यक्ष रुलदा सिंह को पटियाला में हत्या करवाया। इसके बाद पंजाब के कई हिंदू नेता की हत्या करवाई कनाडा में बैठे बैठे। इनकी कारनामे यही खत्म नहीं होती, इनके नाम का एक लंबा लिस्ट है जो ये कांड किया है। NIA के अनुसार हरदीप सिंह आतंकवादी ऑर्गेनाइजेशन बाबर खालसा इंटरनेशनल का मेंबर था जो पाकिस्तानी ISI से कनेक्शन था। यहाँ तक कि यूरोप की इन्वेस्टिगेशन एजेंसी ने भी हरदीप के ऊपर नोटिस जारी किया था। ये कनाडा के ब्रिटिश कोलंबिया में आतंकवादी कैंप चलाता था। 2022 में भारत सरकार ने इसके ऊपर 10 लाख का इनाम रखा था और इसी साल पंजाब पुलिस इसे इंडिया लाने की कोशिश की थी लेकिन नाकामयाब रहा। अब आता है 18 जून 2023, हरदीप सिंह निज्जा की हत्या। कैनेडियन पुलिस को गुरुद्वारे के बाहर हरदीप सिंह निज्जा की बॉडी मिलती है। जब हरदीप गुरुद्वारे से निकल रहा था तभी 2 लोग आता है और उसे गोलियों से भूंज कर चला जाता है। और सिर्फ हरदीप को ही नहीं, इसके पहले भी परमजीत सिंह पंजाबर की बॉडी लाहौर में मिलती है। परमजीत खालिस्तानी कमांडो फोर्स का चीफ था। इसके बाद अवतार सिंह खांडा की मौत होती है। फिर 21 सितंबर 2023 को सुखा को गोली मारकर हत्या कर दी जाती है कनाडा में। कहा जा रहा था कि सुखा हरदीप की जगह लेने वाला था। अब जितने भी मर्डर हुआ उसमें एक चीज कॉमन था, ये सारे खालिस्तानी आतंकवादी से लिंक था या वो खुद आतंकवादी था। और पंजाब सीएम के द्वारा दिए गए लिस्ट में इन सभी का नाम था।
अब ये सब की मौत के बाद जस्टिन ट्रूडो इंडिया के ऊपर एलिगेशन लगा रहा है कि ये सब के पीछे इंडियन रॉ की हाथ है। अब सवाल आता है कि क्या सच में इंडिया हरदीप सिंह को मारा है? तो जहाँ तक मुझे लगता है कि इंडिया के लिए ये सब करना कोई बड़ी बात नहीं है, इससे पहले भी कई देश ऐसा कर चुका है, चाहे अमेरिका को पाकिस्तान में घुसकर ओसामा बिन लादेन को मारना, या इजराइल को सीरिया और लेबनान में दुश्मनों के ठिकाने पर बमबारी करना, या फिर भारत के द्वारा किए गए यूरी सर्जिकल स्ट्राइक। लेकिन हरदीप सिंह निंजा की हत्या भारत ने ही करवाया है, ऐसा कोई प्रूफ नहीं दिया जस्टिन ट्रूडो। सिर्फ वो कह रहा है कि इसके पीछे इंडिया का हाथ है और कह रहा है कि मेरे पास सारा प्रूफ है, लेकिन इसे सामने नहीं ला रहा है। बस आज के लिए इतना ही, ये मेरा पहला वीडियो, इसे आपको प्यार और सपोर्ट की जरूरत, सो प्लीज डू सपोर्ट एंड सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू।